हाय गाइस, वेलकम टू लॉ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और देखिएगा ब्लॉग कैसा लगा कैसा ना लगा। हेलो गाइस, आज बनने हमारे यहाँ मोमोज है ना मम्मी। आज कह रही है मोमोज बनाओ। और सबसे पहले हमने ये बनाया इसका, ये क्या होता है मम्मी, मसाला। ये वो है सोयाबीन और चिकन, दोनों हाँ, मिक्स कर लो। दोनों मिक्स कर लिए मोमोज के लिए। और मम्मी बना रही है, हम इसे बेल रही हैं। आप ये बताएंगे अम्मी कैसे निकलती है, बस अम्मी इतनी बड़ी हुई हो तो कितनी बड़ी करोगी। बहुत से छोटे छोटे बना, मैं आटा तोड़ा और लोई सी बना ले। अब उसमें कौन एक घंटे, अभी रुको रुको, ये बना हमारा थोड़े से, अभी ये बन पाए हैं। ये अब एक घंटे कौन बनाए, इससे पहले ये बनाओ और इसका गिलास लो, चार बनाओ, एक एक रोटी में चार। देख सकते हैं गाइस अम्मी की कतलिया कैसे गोल आई है एकदम। ये इससे है ना, इससे काट लो। मैं ही भरूंगी एक, भरने का तरीका बताओ मुझे। ऐसे करना है, एक चम्मच रखो और यहाँ से तो ऐसे काट। अरे वाह, लो गाइस बन गए मोमोज रेडी। देखो यार वाओ, इसमें क्या है, गिर गया तुम्हारे मोमोज। दिखाओ ये भैया। गाइस अम्मी को अवार्ड देना चाहिए। और जैसे ये बहुत से जो है ना ऐसे लेते हैं और इतने इतने से बनाए ऐसे करके, और इन्हें बेल लो, ठीक है, इन्हें बेल के जब भरो इन्हें। अब ये झंझट कौन करे, जैसे ना होता मैं तो एक रोटी बनाई और बड़ी करी, चार निकाले। हाँ, बहुत लोग छोटी छोटी वो गोली बना बना के बनाते हैं रोटी। जल्दी बनाए ऐसी, मरी है बच्चों के लिए बना लो। हाँ यार अम्मी मतलब खाने की देती हैं बाहर का, लेकिन इतना नहीं कहते हैं ज़्यादा नहीं। ये जरा ठीक से घर पर खाओ जितने खाने हैं। आज बैठे कर लेगी अम्मी मोमोज बनाओ। और चलो इसमें आधा चिकन है और आधी सोयाबीन है, दोनों मिक्स करके, और इसमें प्याज व्याज डाल लो, गरम मसाला डाल लो, मिर्ची डाल लो, मैगी मसाला डाल लो, ऐड कर दो सारी चीज़ें और बना लो। बच्चों को क्या, बच्चों को खिलाने के लिए बन गया मोमोज। अम्मी यार तुम तो टैलेंट हो, हर चीज़ का रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब तो यही भरनी है, हम ऐसे रख लेते हैं फिर साइड लोई है। देखिए मैं ही भरूंगी अब। अब तो सानिया नहीं भरी है। इसमें है कुछ ना, देखो मेरा मोमोज बताओ कौन सा, ये वाला था मेरा है कुछ ना इसमें। हाँ ऐसे ही बनो, बच्चों को क्या। तो लग रहा है तुम्हारे मोमोज का रेस्टोरेंट खुलवाना पड़ेगा है। बिरयानी तुम अच्छी बना लेती हो, क्या चीज़ नहीं बनती तुमसे, पाए तुम बना लेती हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो खुलवाना चाहिए। फिर देखना गाइस चूरा देखो इनका। अब देख माँ के पेट से तो कोई ना सीखता, सब ऐसे सीख जाए बनाते बनाते। यू आर राइट, बनाना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद हमारे ये मोमोज रेडी। और अम्मी कर रही हैं अभी भी थोड़ा सा थोड़े से रह गए, ये रहा बस, एक वो रहा एक ये रहा। बताओ यार ऐसे ना मिल जाए खाने के लिए, मेहनत है ना, तभी तो ना बनाए मैंने, एक साल में एक बार बनाए। साल में एक बार, हमें दो साल हुई इस बात, साल में एक बार जब बनाए अब बनाए, एक साल में बहुत मेहनत है इनमें, कौन मेहनत करे। जब हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी तब, हाँ पहले सर पहले ही इसका डाला था यार, ज़्यादा बनाने भी सही नहीं है, जीभ भर जाती है। और क्या है, 10 रुपये के बाहर से जाओ खा लो, इसमें बहुत मेहनत है वैसे। 50 रुपये में पेट भर जाए। हाँ जो बात है, 10 रुपये का एक आता है चिकन का।
क्या कहना चाह रही है, तुम्हारे कैफे खुलवा दें? 10, 20, 30, 40, 50 मैंने कितने के बनाए, कितने की मैंने वो कर ली, मैंने पता 500 रुपये लगे। वे भैया वो तो अब मैं बस एक खुला, बाकी सब सही है। हो जाएगा, हो जाएगा, चिपक जाएगा। मैंने इसको चपटा चपटा कर दिया। वो ताकत लगा, बहुत ताकत लगती है। तीन ही बनते हैं इसमें, तीन निकाल दो, चार चार कर। वाह 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 वाह, इसमें है क्या बनाने में? गाइस ये रहे हमारे मोमोज और ये बन चुके हैं, मैं अम्मी को देने जा रही हूँ। अम्मी क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हैं आप, किसमें करोगे यार? आप बताओ, आप ये लग रही है इसमें भाप है ना अम्मी? ये रही, अभी पानी उबल रहा है। अच्छा तेल लगाया तुमने साइडों में? चुप कर मेरा, हल्का सा तेल लगा लो। अच्छा ये सराउंड 5 मिनट, बस 5 मिनट बाद अपने तब। चलो देखते हैं, अब उबल गए हैं हमारे लिए और अभी गर्म हो रहा है। ये चुपक गए यहाँ से और उसमें रख रही है मैं। अब ये पूरे रेडी हैं बिल्कुल, आप अगर भाप वाले खाने हो तो वो खा सकते हैं। और जो सेक करना तो सेक के अच्छे अब सेक होगी, स्टीम हो गई इस वक्त, स्टीम है। अब ये तल के हो जाएंगी वो फ्राई। अम्मी अब तल लाओ जल्दी से, भूख लगी है बहुत। हाँ नहीं तो, अरे भैया संभल के। ये देखना मेरा गोल वाला कैसा हो गया, ये मैंने बनाया, ये मेरी हरकत हो सकती है। अभी हो रहे हैं फ्राई। फ्राई के अच्छे लगते हैं हमें, बहुत से ऐसे ही खाते हैं, स्टीम अच्छे लगते हैं। अम्मी को अच्छा लगता है, अम्मी के मैं उबले उबले से उड़ लगे। अभी फ्राई हो जाऊंगी ऐसे। वाह अम्मी तुम तो टैलेंट हो यार, कलाकार हो तुम। लेकिन इसमें मेहनत भी तो लगी है, हमें पता है 2 बजे की लग रही है और 4 बजे इसमें। मैं इसीलिए बनाती हूँ, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, काफ़ी टाइम लगा है इनमें मोमोस में। कितने दिन? 2 घंटे लग गए। मैंने इससे तो बाहर से मंगा कर खिला दो। 1 घंटा बेलने में लगे, फिर उबालने में लगे, फिर अब देखो अब तल रही हैं। फ्राई यार फ्राई तो अब हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, अब टाइम ना लगेगा। अब तो ये है बस, जितने खाने हो उतने तल लो और खा लो। बताओ कौन कौन खाएगा, किसके मुंह में पानी आ रहा है? या फिर अब तो ये पेट में जाएंगे। बताओ गाइस भेजूँ, किस किस के लिए भेज दूँ? उसको भेजते सहजाद को। ओफो सहजाद को बहुत पसंद है, सहजाद को सीमा, ये सीमाबरी वालों को पूर्ति भी ना होगी इसमें। उन्हें ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। अभी आएंगे ना सब घूमने के लिए, नुमाइज देखना, मेरे भैया भतीजे सब आएंगे इंशाल्लाह, उनके लिए बनाऊंगी स्पेशली अलग से। और बताओ भैया तुम्हारी डिमांड पूरी हो रही है, पहले से पहले आने की देर नहीं। मेरे भैया भतीजे हैं सब आएंगे, मेरे मामू के लड़के हैं सारे। आओ भाई देखो गाइस सीख गई होंगे फ्राई, बाजी के हाथ के खा के देखना ही, बाजी कैसे बनाती हैं खिला के। बाजी खाला किसी की खाला लगूंगी, किसी की बाजी लगूंगी। यू आर राइट मॉम, दे दो आप। और सब जगह दिखा के लाऊंगी उनको, और ना क्या ये गाँव में अब अलीगढ़ को घुमाना तो मैं सब आना देखने के लिए, सब दिखाने दिखा कर लाऊँ सब जगह। भाई हमारे मोमोज अब तैयार हो गए और हमारी मेहनत रंग लगी, अम्मी अपनी खा रही है अलग। मैं तो ये खाऊँ हो जाएगा। हाँ गर्म है अभी यार, टमाटर की देखो यूँ ही टूट रहे हैं। हो गए तेरी सही है यार, चलो खा ले, मैं भी खा लूँ।
अब हम जा रहे हैं आलू की वो बनाने, क्या बताते हैं? चिली पटेटो। चिली पटाटो कह रही अम्मी, चिली पटाटो बनाओ, दिखा दो आलू। चिली पटाटो। अच्छा जी, कल बनाए हमने मोमोस और आज कह रही है अम्मी चिली पटाटो बनाओ। मन की चल बताती रहे, मन की जो तुझे खाना वो बोलती रहे, हम मुझे ये खाना वो खाना, जैसा आएगा ऐसा बना ही रही हूँ खिला के। इसमें क्या टाइम लगा है बनाने में? आलू छीलो और इसके पतले पतले पीस काटो और बनाओ तेल में तल कर। या तो हरा रोट हो, और हरा रोट ना हो तो मैदा हो, क्योंकि उससे करारे हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बेसन में बनाते हैं खाली। ना बेसन में ना, या तो हरा रोट, ये क्या नाम है वही बेसन, वो बेसन नहीं वो मैदा, मैदा उसके अच्छे बनते हैं। तुम दोनों मिलाती हो? मिक्स नहीं, एक चीज। अच्छा, एक चीज़ ऐड कर लो, कुछ भी एक डाल, एक ऐड कर दो और बना लो। देखो मैं बनाऊंगी, बना के दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। आज चिली पटेटो की रेसिपी है। क्या करें, घर में बैठे बैठे यही करते रहे। अम्मी तुम तो बिल्कुल ऐसे काट रही हो, सेम टू सेम चाकू से कट रहे हैं। दिखाना मेरा चाकू, पतले पतले काट लो। देखना भाई, एकदम जैसे बाहर से आते हैं ना, बिल्कुल वही काटे। कोई काट लेगा ऐसे? इसका जो है ना अलग आता है वो काटने का, मंगाएंगे हम उसे, मंगा लेंगे। देखो ये बहुत खाती है घर में, कभी इसे मोमोस बनाओ, कभी ये बनाओ, इसे ज़्यादा वैसी चीज़ें पसंद है। सेम टू सेम बिल्कुल वैसे काटा है, कट जाते हैं इसमें, बस हल्की सी मिर्च डालो, हल्का सा नमक डालो, ऐसे बन जाता है। देखना एक आलू के ही लग रहे हैं कहीं। सही है यार, बना लिए है ना तुमने? देखो गाइस, ये अम्मी ने घर में दुकान खोल ली है अब। आधी किलो ही है ना अम्मी, आधी किलो ही क्या है, आधी किलो और ज़्यादा होंगे बल्कि। ये इसके लिए दुकान खोली है, इसके खाने के लिए, ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है इसे। घर में ही दुकान खोल ली अम्मी ने, कह रही है ऐसी ये लाओ वो लाओ, मैंने कि चल अब घर में खिलाओ। अब इसमें ऐड करना नमक और मिर्च हल्की सी, और वो हरा रोट, ये मैदा, फिर देखना करारे करारे जैसे बाहर से मंगा के खाए। भाई बनाऊँ तो देखना, ठीक है? अब क्या करोगी तुम? जा रही हूँ धूम। ओके, मैं तो देखूँगी मैडम। ये रही कढ़ाई तैयार है, ये धो रही है मैं, इसमें जरा पानी निकल जाएगा। अच्छा मैडम, ये रहा, इसमें अच्छे से धुल में पानी निकल जाएगा। अम्मी का माइंड देखो, धो ली अम्मी ने 2 मिनट में। क्या कह रही हो? टमाटर हो। अब क्या कर रही हो? चटनी। अच्छी, हाँ मुझे लगा कहीं किसी के लगाने जा रही हो। मैडम इसमें चटनी बना के देखिए टमाटर। अब वो चटनी बना रही है, बाद में करेंगी वो, जब तक अम्मी ने वो रख दी है अभी। थोड़ा जीरा, थोड़ा सा जीरा। चेरी आ गई है, क्या लग रहा है, मुझे तो भैम लगे बहुत ही। हल्का सा नमक, अब एक टमाटर बस। आता है अभी सीखी चटनी बनाना, बस टमाटर डाल दो उसमें, बस 3 चीज़ ऐड करी हैं, चौथा चीज़ होगी टमाटर, और ये अभी हो रहे हैं।
बस बन जाएगी, फिर बन जाएगी। एक टमाटर की चटनी। अच्छा बन गई। बन रहा है, बना रहा है। अभी ये क्या कर रही हो? ये मसाला डालिए, मिर्च, नमक हल्का सा, और क्या ऐड करना है इसमें? इसमें मैदा, उत्ती जो कि रखी है, और ये तेल गर्म हो रहा है ना, ये नहीं हल्का सा जल्दी रहा वो उत्ती दी, एक चुटकी सिंदूर बस। ये इससे कलर अच्छा आएगा। अच्छा, और ये है मैदा, मैदा ऐड कर दिया हमने इसके लिए, इससे करारे हो जाए। हैं करारे, हाँ ऐसा आएंगे जैसे बाहर से मंगा के खाए। अभी देखते हैं तो फिर इसी बात पे कैसे आए। सानिया तो मजाक समझ रहा है। मैं तो मोमोज की मजाक समझ रही हूँ। देख ले, मोमोज ही बना के खिला दिए, बनाना चाहिए घर में क्या है। देख देख के सब आ जाता है। सही है, आज ये मोमोज की रेसिपी भी दिखा दी, और ये है चिल्ली पटेटो की रेसिपी। ठीक है गाइस, इससे जो है ना थोड़ा करारापन आता है। एक होता हरा रोट और ये है मैदा, मैदे से अच्छे हो जाते हैं एकदम करारे करारे। आटा वाटा ना, बेसन बेसन और आटा मत डालो। हो गया, पानी नहीं डाला? नहीं पानी नहीं डालता। अच्छा मैदा नहीं होता, वो नहीं होता, बेसन घोसे बेसन डाले है ना। मैं भी चला रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। और डाली डालो खाली मैदा बस, अगर करारे करने हैं तो। अगर बनाने तो मैदा ऐड करना, बेसन नहीं। अच्छा मैडम, इससे करारे हो जाते हैं, ऐसे लगे जैसे बाहर से मंगा। चलाओ रुक लिया, ऐसे ही हो रहे हैं। देखिए इसमें क्यों रखती हूँ अखबार में पहले? ये तेल है ना, तेल पीले गए। दो गाइस ये वाले सिक गए, फ्राई हो गए हमारे ये, और अब हम इसके बाद में डाल लिए। अभी बाद में डालना मैडम, मन तो करता है खाने का, करारे हो गए। ये खाऊं, ये वाला खाते हैं। और तुम वो डालोगे ना तो ऐसे हो जाएंगे लिबली बेसे, मतलब मुलायम से। अब ये है करारा पनी से। अरे यार गिर गया है, इससे आएगा करारा पनी। देखो गाइस तोड़ने में सीरियसली यार करा नहीं जाते, करा वैसे लग रहा है बाहर से आए। हम लोग आगे बताओ, बहुत टेस्टी है। अच्छा ये गाइस खा लो, लग रहा है बाहर से मंगाए। हाँ हाँ गाइस ये देखो हमारे ये चिल्ली पटेटो बन गए हैं ना, बिल्कुल रियल लग रहे हैं, और कोई बता भी नहीं सकता। बाहर से मंगाए हैं ना बस। हाँ देखो चटनी भी है, ये भी है, ये भी है, दो हैं अब, एक अम्मी की प्लेट एक मेरी प्लेट। अम्मी मसाला तो ले आती नहीं लेंगे? चलो रहने दो, मैं ला रही हूँ। चाट मसाला, हाँ चाट मसाला डालो, चाट मसाला डालो, ये काला नमक डालो। हाँ हल्का सा काला नमक डाल के खाओगे ना और अच्छा लगेगा। देखो गाइस फिर से खा ली, ये हो गए ना, हो गए करारे। लग रहा है तुम्हारी रेस्टोरेंट खुलवाना पड़ेगा तुम्हारा। सही है, अभी खुलवा दे। चलो हम खा लें अब।